द्वात्रिंशत्तिदशाधिपतिस्त्रिदशाधिकन्यकाचाष्टदा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मङ्गलम्, कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। ये सर्वौषधि विद्यासिद्धपशो वृद्धिं गता पञ्चये, ये चाष्टाङ्गमहानिमितकुशला योष्टोविधाश्चारणा, पञ्चज्ञानधरास्त्रयोऽपि बलिनो, ये बुद्धिरिद्धीश्वराः, सप्तैते सकलाश्चिदागणभृताः कुर्वन्तु ते मङ्गलम्, कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। कैलासे वृषभस्य निर्मतमयी वीरस्य पावापुरे, चम्पायां वसपूज्य सज्जनपतेः सम्मेदशैले रतां, शेषाणामपि चोजयन्त शिखरे नेमीश्वरस्यारतो, निर्वाणावनया प्रसिद्धविभवाः कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामर्गहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूशाल्मलिचैत्यशाख्यु तथा वक्षाररूप्यादिषु, इस्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे, द्वीपे च नन्दीश्वरे, शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मङ्गलम्, कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो, यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवलज्ञानभाक्, यः कैवल्यपुरप्रवेशमहिमा सम्भावितः स्वर्गिभि, कल्याणानि च तानि पञ्चशततम्, कुर्वन्तु ते मङ्गलम्, कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। इत्थं श्रीजिनमङ्गलाशङ्मिदं सौभाग्यसम्पदप्रदं, कल्याणेषु महोत्सवेषुदयस्य शङ्कराणामुसाः, ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुजनै धर्मार्थकामान्विता, लक्ष्मीराशे ते व्यपायरहिता, निर्वाणलक्ष्मीरपि मङ्गलाष्टकस्तोत्रम्। श्रेयः पद्मविकासवासरमणि स्याद्वादरक्षामणि, संसारोरगदर्भगारुणमणि भव्योग्रचिन्तामणि, अश्रान्ताक्षय शान्तमुक्तरमणि सामन्तमुक्तामणि, श्रीमान् देवशिरोमणि विजयते श्रीवीतरागः प्रभो। आहाराभयभय सत्यसाधान दत्तावधानानां, खण्डे स्फुटितजीर्णजिन चैतालोधारणीराणां, यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्रसंवितरणी शीलानां, तर्क व्याकरण छन्दोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान सात स्वरूप सात वादन मधोजर मध समावर्णानां, निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावटानां, श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पदकमलाराधकानां, श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भविजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्येभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से एक प्रारंभ होने जा रहा है, प्रातः के छह बज चुके हैं। पूज्य गणनीय प्रमुख ज्ञानमती माता जी चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञानतली तीर्थ पर विराजमान हैं, और यहाँ से प्रतिदिन प्रातः छः बजे आपको भगवान का अभिषेक एवं महासानधारा देखने को प्राप्त हो रही है। आज श्री विजय कुमार जैन मुना और श्री इंजीनियर गुण सागर जी जैन दिल्ली अभिषेक के लिए आ गए हैं। जल का कलश हाथ में ले लें, भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए और जल का कलश हाथ में ले लीजिए। जैने इंद्रदेव अभिषेक विधि करूं मैं, कल्याण निर्वृत निर्णय यही है, त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करु नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम रीम श्रीम क्लीम ऐम हम बम बम हम सम तम पम, झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे, नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेज्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुधु फुफला की के दोल मंगल गान वाकुले, जिन ग्रह नाथ जय ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः कम निरपामिति स्वाहा। आप इधर ही आ जाओ, सब कलश इधर ही रखे ना, नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूष स्वाद लिए अमल है, इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभो मुझ वचन इसके सदरस हो। ओम रीम श्रीम क्लीम ऐम हरम भम भम हम सम तम पम, झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे, नमोरते भगवते श्रीमते नाली के रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधु फुफलार की के दोल मंगल गान वाकुले, जिन ग्रह नात्मा में जो ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः कम निरपामि इति स्वाहा। इच्छुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर पुण्य तो रस चुका है, हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन त्रिजकर्ण रसाय नमो। ओम रीम श्रीम क्लीम ऐम हरम भम भम हम सम तम पम, झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे, नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधु फुफलार की के दोल मंगल गान वाकुले, जिन ग्रहे जिनात्मा में जो ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः कम निरपामि इति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिय, घृत प्रतिकारी संताप दूर कर, से कांत देता
गीसे जिन्हें दबसे के करो भी में दीर्घायु अचल शक्ति बड़े सी थे। ओम रीम श्रीम क्लीम एम हम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते गताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की के दोल मंगल गान नवाकुले जिन ग्रहित नात्मा मिले। ओम रीम श्री जिने दायन मार्गम निर्वामिति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शतांक किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नारद क्षीर घट से अभिषेक करके मैं काम देन तुम वांछित प्राप्त कर लूं। ओम रीम श्रीम क्लीम एम अरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की के दोल मंगल का नवाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मिले। ओम रीम श्री जिनेन्द्रायन मार्गम निर्वामिति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या चीरो दही पे हुआ बर्फ समी अति मंगली कदर से अभिषेक करके तेलोक मंगल मैं निशो के पाऊं। ओम रीम श्रीम क्लीम एम अरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार के दुल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहितनात्मा मुझे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्वामिति स्वाहा। सर्व औषधि एला लवंग कर्पूर स्तुतनादि नाना सुगंध वर वस मिलाय करके सर्व औषधि मिलि सार कसाय जल से संसार रोग रहित करु नवन में। ओम रीम श्रीम क्लीम एम अरहम त्रिभुवन पते सर्व औषधि अब से कम करो मी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनु पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की दोन मंगल का नवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिले। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्वामिति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाओ शीघ्र नित्य सु चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम राशि अवसर नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलश जिला अभिषेकम करो मी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनु पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की दोल मंगल का नवाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्वामिति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक के पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन भी में विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो नित के गुणों की। हे नाथ आप गुण सौरभ्य से व्यापा। ओम रीम चंदन लेपनम करो मी नमोरते स्वाहा। पुष्प वृष्टि ओम रीम पुष्प वृष्टिम करो मी नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्ध उज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्प दीप पात्र अर्पित हे प्रतिदिन महतारिण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना हमारा तिकम तो विभोरोमित मंगल आरती ओदनम। उदक चंदन तनु पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की दोल मंगल का न वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मजे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्वामिति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिर चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधा मुझे नित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम रीम श्रीम क्लीम एम अरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलशेन अभिषेचयामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनु पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्वामिति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ करें धारी हाथ में ले रहे। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते कृष्णासे दोषकर्मताय दिव्यतेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांतिग्राय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्ननाशाय सर्व गोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकट सिद्धपद विनाशाय सब शाम नाम रमनाथ ओम राम दीम रूम राम राशि अवसर नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर विसंगस्य श्री इंजीनियर गुणसागर जैन सपरिवार से विजय कुमार जैन सपरिवार से श्री विजय कुमार कन्हैयालाल जैन पुना निवासी सपरिवार से संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनिता जैन अस्य जैन संघपति श्रीमती नामका निकुंद दिव्यांजन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहादी निवासी सपरिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनी जैन रिता जैन पौत्र अक्षय जैन नंदिनी जैन टी एम यू मुरादाबाद सपरिवार से संघपति श्री जिंदा जी जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली से परिवार से श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बुदी भसनापुर से परिवार से
श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, सीतेवाला परिवार, प्रयाग सपरिवार, श्री विमल कुमार, कमल कुमार, कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकु जैन आगरा, श्री देसी जैन हरिद्वार, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, श्री कमल कुमार, श्रीमती अनुपमा जैन आरा, श्री नीतीश कुमार, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेव ब्रह्मांगी दूंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण कासलीवाल चांदवल, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवल निवासी परिवार, श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर, श्री विनय कुमार जैन लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, जैन सभा नई दिल्ली समर्थ पदाधिकारी सदगण, कुमारी भारती जैन दरियाबाद के जन्मदिन की शुभकामनाओं से सपरिवार, न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद निवासी सपरिवार, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन, पुत्र आशु जैन, रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्री कैलाशन जैन सराफ स्वास्थ्य लाभासी आदि जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृत आगम जैन चौक लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशुतोष निषाद श्री रितिका विनायका प्रभात सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद रवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडर्न टाउन दिल्ली, डॉक्टर दीना डॉक्टर संजय जैन श्री अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद, श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्यस्मृति में श्री विनोद कुमार दिव्यरश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा अध्यक्ष मायराराम सन्या सेठी दीमापुर नागालैंड से परिवार, श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अबावत श्री कमले दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसा हिना माही पुण्या चार बीबी रफावत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन सोरम वालों के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव जैन, श्रीमती सहेली जैन रहमन इच्छा जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजित कुमार अजमेरा धन्ना लाल मोहन लाल अजमेरा प्रभात धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेश संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन स्वास्थ्य लाभा संजय जैन श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, श्रीमती निर्मला जैन श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली सपरिवार, श्री आस्था अर्चित जैन पीके जैन सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अशोक जैन श्रीमती अलका विरल सोनल जी ने अदित जैन गणधर डालमिया सिविल लाइन दिल्ली, श्री रतन जैन श्री नीलम इंद्रनील संबर खुशी प्रियंका मायरा उज्ज्वला राहुल रमणी आदित्य सम्यक बख्शी परवाद आदर मुंबई, श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव हरिहन जैन डालीगन लखनऊ, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटुदी परवार हैदराबाद, श्रीमती ममता जैन श्री पंकज जैन श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन श्रीमती अंजू राजीव जैन प्रीतमपुरा दिल्ली सपरिवार, श्री जीवन स्वास्थ्य लाभा सपरिवार, श्री जीवन पांड्या की स्मृति में सो श्रीमती संतोष देवी पांड्या, श्री विकास राकेश सलोनी रुचिका आदि खुशी पांड्या किसने ग्वालपाड़ा आसाम, श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन गौरव नीसू जैन पुनीत सुरुज जैन योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, श्री शांति कुमार ममता सोगानी श्री प्रियतम मयूरी ऋषभ सिदेश आदित्य प्रीति नीला सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्री आयुष्मती जी बेबी नव्या जी चंदा जी निर्मला जी प्रकाशवती जी सरोज गोरा लाजवंती जी पुष्पा जी पद्मा सोगानी भवनी जी सुशीला जी मोनिका जी ऋषि जैन जवाहरनगर महिला मंडल जैन मंदिर जयपुर राजस्थान, श्री जय कुमार जैन उषारानी जैन श्री पीयूष सपना अमित रश्मि जैन मुजफ्फरनगर, श्रीमती पुष्पा राजेन स्वरूप जैन श्रीमती रीमा सुधीर वैभव आरो जैन श्री सालू अमित शिखा आशीष अंश जैन कृष्णा नगर दिल्ली, श्री चक्रेश जैन ऋषभ जैन श्री पुनीत जैन कविता जैन सपरवार दरियागंज दिल्ली, श्री अजित वीर जैन की पुण्यतिथि पर श्री मनु मुनीन्द्र मनोरमा जैन ऋषभ संभो अजित शिवानी शालिनी जैन टेहू आगरा, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावणिया भव्या चोड़ीवाल परिवार, रोहित जैन स्वास्थ्य लाभार्थ कलकत्ता निवासी परिवार, विवाह की 50वीं वर्षगांठ पर श्री सुभाष चंद मनोरमा जैन पुत्र वधु गौरव रुचि जैन पुत्री दामाद गर्मा शैलेन्द्र जैन पुत्र नाती प्रवर श्रेष्ठ जैन कानपुर निवासी सपरिवार, अयोध्या में रत्न प्रतिमा के निर्माण के पुण्याजक परिवार, श्री रमेश चंद जैन की स्मृति में श्रीमती इंदु जैन श्री दीपक आकाश नीतू निशी पूर्वा पर्व स्पर्श आरोही जैन प्रतापबाग दिल्ली निवासी परिवार, द्वितीय दूसरा परिवार श्रीमती बबीता जैन अजय जैन मॉडर्न टाउन दिल्ली सपरिवार, तीसरा परिवार श्रीमती हेमलता जैन
स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जैन, श्री मनीष जैन, अभिषेक जैन, अभियान जैन, वीर जैन, रतवीर जैन, जयपुर राजस्थान निवासी सपरिवार से शांतिधारा के पुण्यादि परिवार, श्री मीनू जैन स्वार्थलाबाद कोरवा छत्तीसगढ़ निवासी सपरिवार से, श्री विजय जैन, श्रीपति स्नेहा जैन, स्नेह जैन शादी की वर्षगांठ पर शालीमार बाग दिल्ली सपरिवार से, स्वर्गीय श्रीमती माया देवी जैन की स्मृति में श्रीमती शिवाली अरुण हर्षिता शैलेन सुनीता आरो जैन अजमेर राजस्थान निवासी सपरिवार से, सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गज भयम, सर्व सिंह भयम, सर्व अग्नि भयम, सर्व सर्प भयम, सर्व युद्ध भयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादि भयम, सर्व निंदादि बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व बाष्पयान दुर्घटना भयम, ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदान दायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा महावीर सन्मति वीरार वीर वर्धमानकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवंतु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरमाद्यानामादे जम्बुदीपे मेरो दक्षिण भाग्य भरत क्षेत्र आरखंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेश है श्री चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान असली दिगंबर जयंती क्षेत्र विसंबत 2548 समय मासोत्तम मासे मक्षिर मासे कृष्ण पक्षे एकम तिथौ सन्निवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमान अयम शानदारा सर्वदेश राज्य राष्ट्रीय पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि आर्का सराव सौकाणाम चतुर्विध संगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु द्विस्वाहे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति नेश्वर सुभिक्षाम गुरु गुरु मनातमादिम गुरु गुरु धर्म शुक्ल ध्यानम गुरु गुरु सुयसः गुरु गुरु सौभाग्यम गुरु गुरु अभिमतम गुरु गुरु पुण्यम गुरु गुरु विद्याम गुरु गुरु आरोग्यम गुरु गुरु श्रेयः गुरु गुरु सौहार्द्रम गुरु गुरु सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले कतलि घात मणम घाते घाते आयुद्रागे जागे सौख्यम सारे सारे। ओम ह्रीम श्री शांतनाथाय जगत शांतकराय सर्वबद्धो शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमायाः मत्स्यकथोपरि शांताराम चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासकानां प्रशासकानां च सभी शांतारा देखने वाले करने वाले सभी के लिए सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्तलाभम चा गुरु गुरु बसठ स्वाहा। उदक चंदन तनलुत पुष्प कई तरस दीप सुदुप फलार की केदोल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहेजनात्मा मजे ओम रीम श्री जिने दायन महा शांति दारा से कम करुमि अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप दूप फले अर्घ सुले करना चत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हो करुणा निध बहुत दुख मेटो जाते मैं पूजो प्रपाय। ओम रीम 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभगिरी मांगी टुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान 31 फीट के ऋषभ देव भगवान के श्री चरणों में एवं दीक्षा भूमि प्रयाग में विराजमान ऋषभ देव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। वसुद्रभ समारी तुम निगदारी आनंदकारी दृप्यारी तुम हो बहुत आदि करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांति नेतम नुतनक्रेशम प्रचक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणुदेशम जामतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीम हस्तनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंतनाथ अननाथ तीनोति शंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपपामीति स्वाहा। नीरगंध पुष्पचारु लीजिए
दीप धूप श्रीफल आदि अर्घ दे दे दी दिए पावसनार देव से भी आपकी करूं सदा दी दिए निवास मोक्ष बुलिए निकरा ओम रीम चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्य नृपामि ते स्वाहा जल फल वसु सदिये मथार तन मन मोद धरो गुण गाओ बहुत तार पूजत पाप हरो श्री वीर महाति वीर सनमत नायक हो जय वर्धमान गुण दी सनमत दायक हो ओम रीम कल्प वृक्ष के समान फलदायक महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम नृपामि ते स्वाहा चक्रवर्ती श्री भरत सिद्ध परमेश्वरी प्रभु को वंदन है। दिल्ली की इस बड़ी मूर्ति के पद में अर्घ्य समर्पण है। गणनी ज्ञानमती माता की दिव्य निधि का दर्शन है। तीर्थ भरत ज्ञान असली के सब भगवंतों को प्रणमन है। ओम रीम भारत देश राजधानी दिल्ली महानगर स्कर्पित क्षेत्र स्थित चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान असली तीर्थ विराजमान श्री भरत स्वामी सिद्ध परमेश्वरी एवं ह्रीम में 24 तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रह इंदन साधु माम जो ओम रिमचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्यान सागर अभिनंदन सागर अनेकान सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। पिछी कमंडल धारी माता नमंत में हम करते हैं अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिपाल कर मेरा मन भी पावन है। ओम रिम राजधानी दिल्ली में भरत स्वामी की प्रतिमा निर्माण की प्रेरणा स्रोत गणनी प्रमुख अनेक तीर्थों के निर्माण की प्रेरणा स्रोत गणनी प्रमुख आर्य श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता जी सदंग के चरणों में अर्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता सभी भक्तों को सूचित करना है पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी भरत ज्ञानतली तीर्थ क्षेत्र गोल मार्केट के निकट कनॉट प्लेस नई दिल्ली में विराजमान है। प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवंतों का अभिषेक महाशांत धारा होती है। जो भी महानुभाव अपने परिवार की निरोगता के लिए सुख समृद्धि के लिए भगवान के मस्तक पर शांति धारा कराने का क्योंकि इस शांति धारा में वर्तमान के सभी प्रकार के कष्टों के निवारण के लिए एवं किसी भी विघ्न को नहीं आने दें विघ्नों के निवारण के लिए ये महाशांत धारा भगवान के मस्तक पर की जाती है। निश्चित रूप से आपके परिवार के लिए सुख शांति के लिए सक्षम है ये शांति धारा। जो भी महानुभाव चाहें कल मनोकामना सिद्धि का दिवस है। भगवान महावीर स्वामी कमल मंदिर हसनापुर में विराजमान है वहाँ पर भी मनोकामना सिद्धि विधान एवं भगवान महावीर के मस्तक पर शांति धारा होगी तथा कल पूज्य माता जी के सानिध्य में दिल्ली में भी दोनों जगह से आपको शांति धारा देखने का अभिषेक देखने का मनोकामना सिद्धि विधान कराने का अवसर प्राप्त होगा। एक दिन के लिए सांधारा और कामना कराने के लिए केवल 1100 रुपये की राशि आपको दान स्वरूप प्रदान करना है। लगातार 1 महीने तक महासांधारा में आपके परिवार के नाम के लिए केवल 11,000 रुपये की राशि दान स्वरूप प्रदान करना है और लगातार 9 दिन तक के लिए 5100 रुपये की राशि 3 दिन के लिए 2100 रुपये राशि 1 दिन के लिए 1100 रुपये की राशि प्रदान करके दान स्वरूप आप ये लाभ प्राप्त कर सकते हैं सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ 2-3 सूचनाएं हैं आपके लिए। नंबर 1 कल प्रातःकाल श्री अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर राजा बाजार कनॉट प्लेस नई दिल्ली में जहां पर सन 2000 में पूज्य गणनीय ज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा से भगवान ऋषभदेव महानिर्वाण भगवान ऋषभदेव निर्वाण महोत्सव के शुभ अवसर पर एक कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया गया था। 31 फुट ऊंचा कीर्ति स्तंभ जो लाल पाषाण का बना हुआ है अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर के प्रांगण में उन कीर्ति स्तंभ में 8 भगवान विराजमान हैं। उन भगवंतों का कल अभिषेक होगा। जीना और पेड़ बन चुकी है। कल प्रातःकाल 8 बजे से अभिषेक प्रारंभ होगा। पूज्य गणनीय ज्ञानमती माता जी का पूरे संघ का सानिध्य प्राप्त होगा एवं आचार्य श्री अनेकानंद सागर जी महाराज जिनका चातुर्मास अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर में सम्पन्न हुआ है प्रशांत विहार पिछले 8 दिन से गए हुए हैं उनका भी आगमन हो रहा है और उनका भी सानिध्य प्राप्त होगा। तो आचार्य अनेकानंद सागर महाराज संघ सहित एवं गणनीय ज्ञानमती माता जी संघ सहित दोनों संघों के पावन सानिध्य में कल प्रातः 8 बजे से भगवान का अभिषेक होगा। कीर्ति स्तंभ के भगवंतों का अभिषेक होगा। उसके बाद कल दोपहर में 2:30 बजे पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम भरत ज्ञान असली तीर्थ पर किया जाएगा। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित जो यहाँ पर जिनका चातुर्मास हुआ है
पिच्छी प्रवर्तन का कार्यक्रम कल दोपहर में और श्रावक सम्मेलन, श्रावक सम्मेलन पूज्यगणी ज्ञानमती माताजी कुछ अपने अनुभव उन श्रावकों को देंगे जो श्रावक भगवान की भक्ति में देवसाद गुरु की सेवा में हमेशा लगे हुए हैं। ऐसे भक्तों को आस परंपरा, आगम परंपरा, आचार्य शांति सागर एवं आचार्य महावीर की जी महाराज आदि जो बड़े बड़े आचार्य हुए हैं उन सब संघों की परंपरा एवं जो भी पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और पिच्छी परिवर्तन का कार्यक्रम कल दोपहर में 2:30 बजे से यहाँ भरत ज्ञान असली तीर्थ पर संपन्न होगा। राजधानी दिल्ली NCR के सभी भक्तों को सादर आमंत्रण है। और इसके बाद तीसरा कार्यक्रम है आगामी बुधवार और बृहस्पतिवार को भरत ज्ञान असली तीर्थ पर 31 फुट के भगवान भरत स्वामी की प्रतिमा विराजमान है, बहुत सुंदर प्रतिमा है, जिनका पंचकल्याणक महामस्तकाभिषेक सौभाग्यशाली भक्तों ने अपने अपने हाथों से किया है। अब पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में यहाँ पर गुरु राम गुरु आचार्य शांति सागर महाराज का कीर्ति स्तंभ यहाँ पर निर्मित किया गया। आचार्य शांति सागर महाराज के उपकार इस समाज के ऊपर, पूरे दिगंबर जैन समाज पर और संत समाज पर बहुत बड़ा उपकार है, जिन्होंने एक मार्ग प्रशस्त किया पंचम काल के अंदर ये 20वीं शताब्दी में कि मुनियों के आहार विहार में कहीं रुकावट नहीं आए। दक्षिण से उत्तर तक की यात्रा उन्होंने संपन्न की। पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा से इस तीर्थ पर आचार्य शांति सागर कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया गया है। 21 फीट ऊंचा कीर्ति स्तंभ श्वेत पाषाण का बन चुका है। इसमें 6 फीट उत्तुंग जो आचार्य शांति सागर महाराज की अवगाहना थी, कोल्हापुर से कांस्य प्रतिमा बन करके आ गई है, जिनका शुद्धि का प्रतिमा प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बुधवार गुरुवार यानी मक्षिर कृष्णा पंचमी और षष्ठी तारीख है, तारीख है 24 और 25, कल आज 20 तारीख है, 24 और 25 तारीख को प्रातःकाल 8 बजे से 24 तारीख को और 25 तारीख को प्रातःकाल 8 बजे से 2 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। इसमें जो भी महानुभाव सौधर्मेंद्र हमारे श्री अशोक कुमार जैन डालमिया सिविल लाइन दिल्ली बन चुके हैं, यज्ञ नायक ईशान इंद्र सानत कुमार इंद्र महेंद्र इंद्र केवल 51,000 रुपये की राशि में रखे गए हैं, यज्ञ नायक की राशि 1,00,000 रुपये है और बाकी इंद्र 11,000 रुपये में और 5,100 रुपये में बन सकते हैं। तो ये छोटे रूप में पंचकल्याण प्रतिष्ठा का आयोजन बहुत ही छोटे रूप में यहाँ पर संपन्न होगा थोड़े से जोड़ों के द्वारा 24 और 25 तारीख को। और गणी ज्ञानमती की इतिसम, क्योंकि ज्ञानमती माता जी का जो उपकार समाज के ऊपर है उस उपकार को समाज कभी भूल नहीं सकता। पूज्य माता जी के हाथों से जो कार्य हुए हैं उनकी प्रेरणा से उनके सानिध्य में जो ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुए हैं, चाहे 108 फीट की प्रतिमा का निर्माण हो, आज विश्व की सबसे अलौकिक अखंड पाषाण की सबसे उच्च प्रतिमा जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड किया गया, ऐसी 108 फीट की प्रतिमा का निर्माण पूज्य माता जी के सानिध्य में हुआ और उन्हीं के पावन सानिध्य में 125 संतों के उपस्थिति में ऋषभगिरी मांगीतुंगी पर्वत पर सन 2016 का ऐतिहासिक पंचकल्याणक हुआ, जिसमें लाखों लाखों लोगों ने आकर के पंचकल्याणक और मस्तकाभिषेक में सम्मिलित होकर भाग लिया। ऐसे ही जम्बूद्वीप का निर्माण, तीर्थंकर जन्मभूमियों के रूप में अयोध्या का विकास, काकंदी का निर्माण, प्रयाग इलाहाबाद का निर्माण, भगवान महावीर की जन्मभूमि का निर्माण और आचार्य शांति सागर स्मारक समेत शिखर आदि अनेक तीर्थों के विकास में जो पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा रही है। और इसके साथ विशेषकर अब राजधानी दिल्ली के अंदर ऐसी प्रतिमा जिनके नाम से इस देश का नाम भारत हुआ है, चाहे वैदिक ग्रंथ हो चाहे जैन ग्रंथ हो, सभी में जिसका वर्णन मिलता है, ऐसे भरत स्वामी के ऐतिहासिक प्रतिमा का निर्माण कराया। तो भक्तों की भावना के अनुसार इसी स्थल पर गणी ज्ञानमती की तीर्थम का निर्माण भी किया गया है। इसकी तीर्थम के अंदर चरण पूज्य माता जी के स्थापित रहेंगे। तो दोनों की तीर्थम का उद्घाटन और प्रतिमा प्रतिष्ठा चरण स्थापना का कार्यक्रम 24 और 25 नवंबर आगामी पंचमी और षष्ठी दिन है बुधवार और गुरुवार प्रातः 8 बजे से, बुधवार को भी और प्रातः 8 बजे गुरुवार को भी ये कार्यक्रम संपन्न होगा। जो भी इसमें इंद्रनाणी बन करके सौभाग्य लेना चाहते हैं, मात्र 2 दिन की ये कार्यक्रम है
और इसके बाद पूजगणी ज्ञानमती माता जी का मंगल विहार राजधानी दिल्ली से जम्बुदी भसनापुर के लिए होने की पूरी संभावना है, और संभवतः पूज्य माता जी का प्रतिष्ठा के दोपहर में ही यानी 25 तारीख को दोपहर में 3 बजे यहाँ से लाल मंदिर, कैलाश नगर, ऋषभ विहार आदि होते हुए हसनापुर की ओर मंगल विहार होना है। 99% स्वीकृति पूज्य माता जी की हो चुकी है, तो ये कार्यक्रम यानी कल प्रातः 21 तारीख को अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर में कीर्ति संघ के भगवंतों का अभिषेक, उसमें आपको पधारना है। दोपहर में श्रावक सम्मेलन, पिच्छी परिवर्तन समारोह भरत ज्ञानस्थली तीर्थ पर कल 21 तारीख को दोपहर में 2:30 बजे से, और 24 और 25 तारीख को दोनों कीर्ति सम, आचार्य शांति सागर कीर्ति सम, गणी ज्ञानमती कीर्ति सम का उद्घाटन, प्रतिमा प्रतिष्ठा, चरण प्रतिष्ठा, स्थापना, इसका कार्यक्रम यहाँ पर 24 और 25 तारीख को संपन्न होगा, जिसमें इंद्र नाड़ी बनकर के आप सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। इन तीनों कार्यक्रमों की सूचना आपको आज प्रदान की गई है, अवश्य लाभ लें और करें। तो अब पूजगणी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। मद्दात्मा सुदम में आओ संतो, श्री गौतम स्वामी कहते हैं कि हाँ, इस मंत्र तो मैंने सुना है भगवान महावीर के मुख कमल से। भगवात्मा भगवान महावीर स्वामी को जन्म लेकर के अभी 2620 वर्ष ही लगभग हुए हैं। हम और आप चिंतन करें, अभी हमने आपने सबने भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कहा, महाकल्याणक महोत्सव मनाया, पावापुरी से भगवान मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, और वीर निर्वाण संवत 2548वां चल रहा है। भगवान महावीर उनका जन कल्याणक महोत्सव कुंडलपुर में मनाया गया, और भगवान शांतिनाथ उनका जन कल्याणक महोत्सव हसनापुर में मनाया गया। भगवान ऋषभदेव का जन कल्याणक महोत्सव अयोध्या में, वर्तमान में 730 अयोध्या को लेकर के और कुंडलपुर तक भगवंतों की 16 जन्मभूमि हो गई हैं। कल ही हमने और आपने भगवान संभवनाथ का जन कल्याणक महोत्सव मनाया, संक्षेप में कोई भगवान संभवनाथ की पूजा किया होगी अवश्य, और श्रावस्ती को स्मरण किया जहाँ संभवनाथ भगवान ने जन्म लिया है, 4 कल्याणक हुए हैं। जन्म कल्याणक के समय का वैभव चिंतन करो तो कितना आनंद आता है, हर हृदय कमल प्रफुल्लित हो जाता है। भगवान व्यात्मा ये वही भगवंतों की जन्मभूमि नगरियाँ हैं, जहाँ इंद्रगण सौधर्मिंद्र ऐरावत हाथी पर बैठकर आए। उस ऐरावत हाथी का संक्षेप में मैं वर्णन आज आपको सुनाऊं, मैं समझती हूँ मुझे अच्छा लगता है तो आपको सबको अच्छा ही लगेगा, बड़ा आनंद आएगा। सिद्धांत सार दीपक ग्रंथ है, उसमें आया है वर्णन कि एक ऐरावत हाथी 1,00,000 योजन का बनता है। ये योजन लघु योजन से लेना, अर्थात 4 कोस 8 मील, तभी 800,000 मील का हो गया ऐरावत हाथी। और उसका वर्णन सुनिए आप, तो ऐरावत हाथी के
चार मुख हैं, चार मुख बनाए ऐरावत हाथी के, चार मुख, प्रत्येक में दो दो दांत, तो आठ दांत हो गए, प्रत्येक दंत पर सौ सौ सरोवर, सौ सौ सरोवर बने हुए हैं, प्रत्येक सरोवर में 25-25 कमलनी हैं, और प्रत्येक कमलनी पर 125-125 कमल हैं, और प्रत्येक कमल में 108-108 दल हैं, पत्ते। इन प्रत्येक दलों पर एक एक अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, ऐसी अप्सराओं की कुल संख्या 27 करोड़ हो जाती है। यानी चार मुख है, उसके दो दांत हैं, तो उसको चार को दो से गुना किया आठ, आठ को इस दांत पर, प्रत्येक दांत पर 100-100 सरोवर हो, तो आठ के 100 से गुना किया 800, पुनः एक एक सरोवर पर 25-25 कमलनी है, तो 800 को 25 से गुना किया तो 20,000, और पुनः इनको 125 से, क्योंकि सब में 125-125 कमल हैं, 125 से गुना किया तो 25,000, पुनः से इनको जो है 108, प्रत्येक में 108-108 पत्ते हैं, उनसे गुना किया तो 27 करोड़ हो गई संख्या। ऐसी 27 करोड़ अप्सराएं एक ऐरावत हाथी पर और कमलों पर नृत्य करती रहती हैं। सरोवरों में जो कमल खिले हैं, कमलों पर 108-108 पत्ते, एक पत्ते पर एक एक अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। ये सब वैभव जन्मभूमि में कैसे समाता है, कैसे ऐरावत हाथी जब इतना बड़ा है, और नगरी तो अधिकतम 96 माने 12 योजन की मानी है, सभी भगवंतों की जन्म भूमिया। और एक बात ध्यान में रखें, राजवार्तिक में बहुत स्पष्ट खुलासा आया है, मैं इस पर भी प्रकाश डालूंगी कि प्रत्येक समय के अनुसार ही उस समय की तीर्थंकर भगवंती की अवगाहना के अनुसार ही उस समय की योजन माने गए हैं। तो ये योजन बड़े छोटे होते आए हैं। भगवान सबदेव के समय अयोध्या नगरी का आयोजन बड़ा था, महायोजन के प्रमाण 500 कोस का, और भगवान महावीर के समय का आयोजन उनकी शरीर की अवगाहना के प्रमाण हो गया। तो वे नगरियाँ भी छोटी बड़ी होती रही हैं, फिर भी इतना सब वैभव, एक अकेला सौधर्मेंद्र का ये वैभव ऐरावत हाथी, और ऐसे 100 इंद्र अपने अपने वैभव सहित हैं, उनकी सेनाएं, सेना का वर्णन भी मैं आपको सुनाऊंगी तो आपको अच्छा लगेगा। सेनाओं का वैभव भी बहुत बड़ा है। इंद्र की सेना जब सजती है और उसमें असंख्यातों देव रहते हैं, सात सेनाओं में तो करोड़ों करोड़ों देव हैं, और असंख्यातों आभियोगी और कृषि जाति आदि के देव रहते हैं। ये सब असंख्यातों देवगण उन जन्मभूमियों में कैसे समाए, ये एक चिंतन का विषय है, चिंता का विषय नहीं। आचार्यों ने कहा है अवगाहन शक्ति विशेष, और समोसरण में भी भगवान ऋषभदेव का समोसरण 12 जन का था उनके शरीर की अवगाहना से, और भगवान महावीर स्वामी का समोसरण 1 योजन मात्र का था, उसमें भी जो 8वीं भूमि में श्री मंडप भूमि है उसमें 12 सभाएं हैं, और 12 सभाओं में 8 सभाएं तो देवों की ही हैं, चार प्रकार के देव, चार प्रकार की देवियाँ। प्रथम सभा मुनियों की है, दूसरी सभा कल्पवासिनी देवियों की, तीसरी सभा में आरिकाएँ श्राविकाएँ, चौथी सभा में ज्योतिर्वासी देवियाँ, फिर व्यंतर देवियाँ, फिर भवनवासी देवियाँ, पुनश्च भवनवासी देव, व्यंतर देव, ज्योतिर्वासी देव, कल्पवासी देव, पुनश्च मनुष्यों में राजा महाराजा चक्रवर्ती आदि, और 12वीं सभा में तिर्यंच पशु पक्षी। उनमें भी देवों की सभाओं में बताया है असंख्यातों देव वहाँ पर
आते हैं और सब निराबाद बिना बाधा के सब बैठते हैं। यह अवगाहन शक्ति विशेष की महिमा, विशेष अवगाहन शक्ति, ये सब दिव्य वैभव और दिव्य महिमा भगवंतों की, तीर्थंकर भगवंतों की। एक रिद्धिधारी मुनि भी जिनको अक्षीण महानस रिद्धि हुई है, जिस घर में आहार ले लें उसे एक छोटी सी बटलोई में यदि भोजन बनाया गया है, खीर बनाई गई है, तो उस दिन वो खीर पूरी चक्रवर्ती की सेना भी खा जाए, जी भोजन कर जाए, वो खीर सारे पूरे गांव को, सब शहर को, करोड़ों लोगों को, करोड़ों करोड़ों लोगों को जुमा दिया जाए, लेकिन वो खीर घटेगा नहीं, वैसे कैसे बना रहेगा। जब ये सामान्य मनुष्यों की, मुनियों की महिमा है, तो हम और आप चिंतन करें। ये आपको समोसरण दिख रहा है, पारस चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं भगवान शांतिनाथ का समोसरण, हस्तिनापुर में निर्मित। तो भव्यात्माओं, जब एक महामुनि के रिद्धि के प्रभाव से और जिन्हें अक्षीण महालय रिद्धि हो जाए, ऐसे मुनि को आप एक 10x10 फुट के 10x10 हाथ के कमरे में ही बिठा दें, वहाँ भी असंख्यातों देव आकर उपदेश सुन जाएंगे, बाधा नहीं आएगी। असंख्यातों मनुष्य बैठ जाएंगे, संख्यातों मनुष्य की संख्या तो संख्यात ही है। तो बात यही है कि जब रिद्धिधारी मुनियों का ऐसा आश्रय होता, ऐसा प्रभाव होता, ऐसी महिमा होती है, तो हमारा आप चिंतन करें। तीर्थंकर भगवंतों के तो जन्म कल्याणक की आदि की महिमा, केवल ज्ञान कल्याणक में समोसरण की महिमा, अवगाहन शक्ति विशेष का होना आदि, ये सब कोई आश्चर्य का विषय नहीं है, बल्कि श्रद्धा का विषय है। हम और आप सम्यक दृष्टि हैं, सम्यक दर्शन के चार गुण मुख्य हैं, आप ध्यान रखें। प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। प्रसम यानी कषायों की मंदता, किसी से बदला लेने का भाव नहीं होना, कैसे भी वैर विरोध हो उसको समाप्त करना, ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है। संवेग, संसार शरीर भोगों से उदासीनता, वैराग्य भाव, चिंतन और धर्म में प्रीति। अनुकंपा, प्राणी मात्र के प्रति दया भावना, करुणा भावना और आस्तिक की भावना, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। शास्त्र में लिखा है सुमेरु पर्वत 20 करोड़ मील के यहाँ से दूरी पर है, विदेह क्षेत्र के बीचों बीच में है, 1,00,000 योजन ऊंचा है आदि, और महायोजन से है, हमें और आपको दिखता नहीं है। मैं कई बार प्रश्न कर देती हूँ, लोग कहते हैं जो चीज़ दिखती नहीं कैसे माने, तो हम कहते हैं देखो भाई, बात यह है कि आपकी 10-12 पीढ़ी के बुजुर्ग लोग नहीं दिखते हैं, आप उनका अस्तित्व स्वीकार करेंगे कि नहीं? भले उनके नाम भी आपको उपलब्ध न हो, पीढ़ी दर पीढ़ी के लोग अधिकतम 7-8 पीढ़ी तक के नाम बता सकते हैं, इससे आगे के नाम नहीं बता सकते, लेकिन आप उनका अस्तित्व स्वीकारेंगे कि नहीं? सैकड़ों पीढ़ियाँ हमारी, हमारे बुजुर्ग लोग रहे हैं, और बीज वृक्ष के समान, बीज और वृक्ष के समान परंपरा, संतान परंपरा चली आ रही है अनादिकाल से, इसे तो हमें स्वीकारना ही पड़ेगा। जो चीज़ नहीं भी दिखती स्वीकारते हैं, आत्मा नहीं दिखती स्वीकारते हैं कि हमारी आत्मा इस शरीर में विराजमान है, विद्यमान है, इस शरीर रूपी देवालय में कोई भगवान देव विराजमान है, अत्र हमारी आत्मा चिन्मय ज्योतिषर भगवान आत्मा, उसका अस्तित्व स्वीकारते हैं। जो विदेश आदि हमें नहीं दिखते हैं, लेकिन जिन्हें दिख रहे हैं अमेरिका आदि, तो स्वीकारते हैं। बहुत सी चीज़ें हमें नहीं दिखती स्वीकारते हैं। तो भव्यात्माओं, परलोक नहीं दिखता स्वीकारते हैं, नरक स्वर्ग नहीं दिखते हैं उनको भी स्वीकारना। आगम के आलोक में श्री आचार्य देवों के वचनों में हम श्रद्धा करें तो सूक्ष्मम विनोदितम तत्त्वम हेतुभिर्नैव हन्यते, आज्ञा सिद्ध्यम तु तद्ग्राह्यम नान्यथावादिनो जिना। दिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया तत्व सूक्ष्म है,
लेकिन उसको हेतुओं से काटा नहीं जा सकता, हेतुओं से उसका विरोध नहीं किया जा सकता। आज्ञा सिद्धम, आज्ञा सिद्धम, आज्ञा भगवान की आज्ञा, सर्वज्ञदेव की आज्ञा, भगवान महावीर ने कहा है, भगवान सर्वदेव ने कहा है, नान्यथावादी नो जिना जिनेन्द्र भगवान अन्यथावादी नहीं हो सकते। आज हम भगवान सर्वदेव के अस्तित्व को स्वीकारते हैं, 24 तीर्थंकरों के अस्तित्व को स्वीकारते हैं, न हमने आपने भगवान महावीर को देखा है, न उनके जन्म को देखा है, न उनके जन कल्याणकों को देखा है, स्वीकारते हैं कि नहीं? अयोध्या तीर्थ की वंदना के लिए जाते हैं, समय शिखर की वंदना के लिए जाते हैं, पावापुरी की वंदना के लिए जाते हैं, स्वीकारते हैं कि समय शिखर से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, सबसे पहले अजितनाथ भगवान मोक्ष गए हैं, और पार्श्वनाथ तक 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, पावापुरी से भगवान महावीर मोक्ष गए हैं, स्वीकारते हैं, परंपरागत स्वीकारते हैं। तो भव्यात्मा बात यही है, ये आस्तिक की भावना, इसी का नाम है आस्तिक, सम्यक दर्शन का गुण है, सम्यक दृष्टि का गुण है आस्तिक की भावना। तो हम और आप जैसे तीर्थंकर भगवंतों के अस्तित्व को स्वीकारते हैं, भगवान सर्वदेव के अस्तित्व को स्वीकारते हैं, इसके पूर्व भी 24 तीर्थंकर हुए, उनके नाम हैं 720 तीर्थंकर भगवंतों में, जिन 720 भगवंतों को अभी अयोध्या में विराजमान करेंगे रविंद्र कीर्ति जी, और 720 भगवान कहाँ कहाँ हुए, 5 भरत, 5 ऐरावत में, 2.5 द्वीप में, 3-3 चौबीसी जो उनके नाम हैं त्रिकाल चौबीसी के, जिनका व्रत आचार्य श्री सांसार महाराज ने अपने जीवन में जिनका व्रत किया 724 का। मेरे पास एक आरिका थी जिनका नाम आचार्य श्री ने, वो सौभाग्यवती सोनूबाई, आचार्य श्री शिवसार महाराज ने उनका नाम रखा था पद्मावती। उन्होंने 720 व्रत किए मेरे पास रहते हुए, और भी बहुत से संघ में अभी हमारे तमाम श्रावक श्राविकाएँ व्रत करते हैं 720 के, 324 के व्रत करते हैं। बहुत से ऐसी बातें हैं जिन्हें हम और आप नहीं देख सकते, फिर भी स्वीकारते हैं। भूतकाल में, अतीत काल में 24 तीर्थंकर हुए हैं, भविष्य में होएंगे, ये सब स्वीकारते हैं। हमारी और आपकी अपनी आत्मा का अस्तित्व स्वीकारते हैं, अपने पीढ़ी दर पीढ़ी के बुजुर्गों का अस्तित्व स्वीकारते हैं। वैसे ही जो है भगवंतों की वाणी के अनुसार यह ऐरावत हाथी का ऐसा वर्णन, ये सब है, सच है। ऐसे ऐरावत हाथी भगवंतों के कल्याणकों में, जन कल्याणकों में आए, भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक में जब समोसरण के लिए आता है इंद्र, उस समय आए, आदि भगवान के कल्याणकों में ऐसे ऐसे ऐरावत हाथी पर बैठकर इंद्र आते थे, आदि ये सब स्वीकारते हैं उनका अस्तित्व। और सब यहाँ समा जाना, ऐसी हस्तिनापुर नगरी में, हस्तिनापुर तीर्थ पर, कभी है हस्तिनापुर तीर्थ और उसी के अंतर्गत दिल्ली राजधानी, उसी का एक अंग रहा होगा। भगवान शांतिनाथ के समय हस्तिनापुर इतनी छोटी नहीं थी, हस्तिनापुर नगरी इतनी छोटी नहीं थी, विशाल तीर्थ था। तो भव्यात्माओं, ये सब अस्तित्व हम और आप स्वीकारते हैं। भगवान शांतिनाथ हुए हैं, भगवान महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर, बचपन से बच्चों को 24 तीर्थंकरों के नाम रटाते हैं, महामंत्र नमोकार मंत्र का याद पाठ रटाते हैं, याद कराते हैं, अनादि निरंतर शाश्वत मंत्र, ये सब जयमंत्र हैं। और भरत चक्रवर्ती, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत, ये भी जयशील रहे, और हमारे भारत के प्रथम नागरिक श्री रामनाथ जी कोविंद, उनको, उनके लिए, उनकी धर्मपत्नी आदि के लिए, और हमारे प्रधानमंत्री आदि सबके लिए मंगल आशीर्वाद देते हुए, हमारा भारत भारतीय संस्कृति को दिग्दिगंत व्याप्ती बनाते हुए, अहिंसा परमो धर्म की ध्वजा फहराते हुए जयवंत रहे, इसी भावना के साथ पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लोग भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। महानुभाव, प्रातःकाल की मंगल बेला में आप सब अपने दिवस को महामंगलिक बनाने के लिए भगवान के दर्शन, गुरु के दर्शन और गुरु की वाणी को सुनते हैं। जैन शास्त्रों में आया है कि धर्म, राजा और अग्नि
ये तीनों जब तक इस धरती पर रहेंगे तब तक ये धरती पूरे बैलेंस में चलती रहेगी। इन तीनों में से एक चीज का भी विनाश हुआ तो सब चीजें नष्ट हो जाएंगी। अभी प्रलय आने में बहुत समय है, 18,500 साल बाकी हैं। जब एक दिन ऐसा आएगा कि भारत के राजा टैक्स लेने में इतने प्रवीण रहेंगे कि वे साधुओं से भी टैक्स मांगने लग जाएंगे। भाई साधु के पास क्या है, वो तो नग्न दिगंबर हैं या साध्वियाँ हैं, एक साड़ी मात्र परिग्रह, पिच्छी का मंडल, आहार करते हैं श्रावक के घर में। तब राजा के मुख से निकलता है कि खाना तो खाते हैं और जो खाना खाते हैं, भोजन करते हैं या आहार करते हैं, उसमें से ही पहला ग्रास कह दो कि टैक्स में हमको दें, ऐसी मति हो जाएगी। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं ना, तो ऐसी बुद्धि होगी और तब मुनिराज से टैक्स मांगा जाएगा। जैसे उनसे मांगा जाता है तो वो भोजन में यदि कोई मांगे तो अंतराय कर देते हैं। अंतराय करके ये मुनिराज भी आ जाएंगे, वीरांगज नाम के मुनि। ऐसा भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि में पहले से ही कह दिया गया है। और मध्यान्ह काल में ही राजा का नाश हो जाएगा और अपराह्न काल में, सायंकाल में अग्नि का नाश हो जाएगा। बस समझो धरती पर मोक्ष मार्ग समाप्त हो जाएगा और प्रलय का शंखनाद हो जाएगा, अर्थात प्रलय आने का समय हो जाएगा। ऐसे धर्म, राजा और अग्नि, इन तीनों का परस्पर में बहुत बड़ा संबंध है। आपको धर्म गुरु आज संबोधन देते हैं, इनकी बातें कभी कभी कड़वी भी लगती हैं, लेकिन नीम कड़वी होती है ना, फिर भी जाकर के शरीर में फल तो अच्छा ही प्रदान करती है, एलर्जी दूर कर देगी, आपके अंदर और भी कोई बीमारियां हैं दूर कर देगी। ऐसे ही धर्म गुरुओं की वाणी हमेशा हितकारी होती है, मिश्री के समान मीठी ही होती है। कल एक सज्जन आए परसों और आर्ट गैलरी में वह अपने कुछ चित्र लगाते थे। एक चित्र लेकर आए, मैं समझती हूँ केवल 2x2.5 का ही चित्र होगा या 1.5x2 का, उसमें लिखा था हुसैन, है ना, हुसैन की पेंटिंग। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इसमें है क्या। बोले हुसैन की पेंटिंग है ये माता जी, 75 लाख रुपए की कीमत है इसकी। क्यों विजय जी, आपने भी सुना और देखा तो होगा ही। हमने कहा ऐसी क्या बात है इसमें। बोले हुसैन का नाम बिकता है, अर्थात आर्ट गैलरी के अंदर। बोले कि इसकी तो बोली लग जाए तो 1 करोड़ 1.25 करोड़ तक भी जा सकती है। हमने उसे बारीकी से देखा, था कुछ भी नहीं, 4 घोड़े के मुख थे, एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे। तो सुन करके भी बड़ा आश्चर्य हुआ। स्वामी जी बोले इससे अच्छी अच्छी पेंटिंग तो हम बनवा दें। उन सज्जन ने कहा कि वर्तमान में मॉडर्न आर्ट है और इनकी आर्ट गैलरी बड़ी बड़ी लगती हैं, इसमें हम लोग ऐसी सीनरी, ऐसी पेंटिंग्स रखते हैं। यानी कि पता लगा कुल मिला करके कि हुसैन के नाम से यदि कोई पेंटिंग है तो उसकी बड़ी कीमत होती है। अब एक व्यक्ति जो इसी संसार में जन्मा और उसने अपनी इतनी इमेज बनाई कि आज उसकी पेंटिंग जो 2-4 हजार में भी बन सकती है, उसको 75-75 लाख के अंदर उसकी कीमत आंकी जा रही है। सुन करके चिंतन हुआ कि ब्रांड, ये नाम बिकता है। जब हमारे त्रैलोक के अधिपति तीर्थंकर भगवंतों ने हमें इतनी अच्छी अच्छी चीजें दी, उनकी वैल्यू हम नहीं कर पाते। आज ज्ञानमती माता जी जैसी गणिनी माता जी हैं कि जो आपको खोज खोज करके उसके अंदर से मोती निकाल निकाल करके देती हैं। ऐसे मोतियों को चुन करके राजहंस के समान मोतियों को चुनना अब हम लोगों का अपना कर्तव्य है। तो जिनवाणी के शब्दों को, तीर्थंकर भगवान की वाणी को हमें
अपना ब्रांड बना करके उस पर अटल श्रद्धान रखना चाहिए कि जो अनमोल बातें हैं जिनको करोड़ों रुपए में भी हम खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते, ऐसी अनमोल बातों को ग्रहण करके और अपने जीवन को उस आर्ट गैलरी में रखे हुए चित्र की तरह नहीं बल्कि और अच्छे तरह से, क्योंकि ये संसार बहुत बड़ी आर्ट गैलरी है,